कैसे हैं आप सभी लोग। आप सभी का स्वागत है अपने YouTube चैनल लर्न विद फोकस पर। हम लोग क्या पढ़ रहे थे, क्लास 9 की 10th की ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रहे थे, जिसमें हमारी पहली प्रश्नावली हो चुकी थी। अब हम लोग अगली पहली प्रश्नावली में हमने देखा था कि जो है साइन लाल बटे कक का सिक्का था कि जो है साइन कास टैन काट से काट की जो है वैल्यू कैसे निकाली जाए। तो हमने देखा था साइन की वैल्यू निकालते थे, साइन थीटा बराबर लंब बटे कड़ कास थीटा हमने पढ़ा था, आधार बटे कर्ण, इस तरीके से हमने वैल्यू उनकी निकालना सीखा था। आज हम देखते हैं कि इनके त्रिकोणमिति अनुपात क्या होते हैं, कुछ विशिष्ट कोणों के विशिष्ट मतलब कुछ पर्टिकुलर एंगल लेंगे और उनके अनुपात निकालना होगा। तो हम लोग सबसे पहले चालू करते हैं कि जो 45 अंश का मान, जैसे हमने साइन थीटा कहा था ना, जैसे हमने कह दिया था साइन थीटा कास थीटा टेन थीटा, फिर इसके बाद साइन का उल्टा हमने देखा था कॉसेक थीटा, फिर sec थीटा और tan का उल्टा हमने देखा था cot थीटा। तो ये थीटा कुछ भी हो सकता था, तो ये कुछ विशिष्ट कोण होंगे। तो हम इस थीटा की जगह 0 अंश 30 अंश 45 अंश 60 अंश और 90 अंश, मतलब इन सबको पुट करेंगे, sin 0 cos 0 tan 0 cosec 0 sec 0 ऐसे करके निकालेंगे। तो हम लोग सबसे पहले चालू करते हैं 45 अंश का मान निकालना। तो अगर हम 45 का निकालें अर्थात थीटा 45 पुट करें, तो सीधी सी बात हम कह सकते हैं कि हम साइन 45 कास 45 और टैन 45 और इस प्रकार ये छह त्रिकोणमितीय अनुपात की वैल्यू निकालनी है। और किसकी, जब किसी भी त्रिभुज में साइन कितना हो 45 अंश हो। और त्रिभुज कैसा होता है, तो हम देखते थे कि वो राइट एंगल ट्रायंगल हमारा होता है समकोण त्रिभुज। हम कहते हैं एक हमारा समकोण त्रिभुज क्या है, ये एक समकोण त्रिभुज पी क्यू आर है, जहां पे क्यू कितना है, क्यों समकोण है अर्थात क्यों 90। तो इसके सामने वाला हमेशा कर्ण होगा, आपको पता है। और हम यहां से कह दें कि ये एंगल कितना हो हमारा 45 हो, तो इसके समूह भुजा लंब होगी, आपको पता है। अगर ये 90 है तो ध्यान से देखना, ये 90 है, ये 45 है, तो 90 45 135 होगा और 180 से आप घटाएंगे तो ये वाली मिलेगी। तो आप सीधे से कह सकते थे ये भी 45 होगा। हमने कहा था एक 90 एक थीटा, तो एक 90 माइनस थीटा ही होता, तो 90 से 45 घटाते तो सीधी सी बात कितना आ जाता, 45 आता। तो हम कहेंगे ये 45 ये 45। अब आपने पढ़ा था कि किसी भी त्रिभुज में कोई दो कोण समान हो तो उनके सम्मुख भुजाएं भी समान होती, तो इस 45 और इस 45 के सामने अर्थात ये आपस में बराबर होंगे, ये लंब ये कर्ण ये आधार। तो हम सीधा सा कह सकते थे कि इसमें लंब बराबर किसके है, आधार के है, या एक तरीके से हम कहें तो पी क्यू बराबर किसके है, क्यू आर के है। ये अपने आप जो है सम्मिलित है, कब, जब हम साइन 45 कास 45 टैन 45 की बात करते हैं। अब यहां से देखना, हम कहते हैं कि हमको निकालनी वैल्यू साइन 45 की, किसकी निकालनी है, साइन 45 की। हमको पता साइन 45 कुछ भी हो, लेकिन साइन थीटा क्या होता था, लंब बटे कर्ण होता था। लंब कितना है, पी क्यू है, लंब कितना है, पी क्यू है, कर्ण कितना है, पी आर है, कर्ण कितना है, पी आर है। ये देखते इस तरीके से पी आर है, लेकिन हम अब कहते भुजाएं, अगर हम कह देते कि हमारी मान लीजिए ये वाली भुजा ए होती, भुजा ले लेते, ये भुजा ए होती, तो सीधी सी बात ये वाली भुजा कितनी हो जाती, ए। ऐसे दिक्कत होगी ना, पाइथागोरस लगाओ, ये भी भुजा कितनी होगी, ए होगी। क्यों, क्योंकि लंब किसके बराबर है, आधार, आधार पी आर बराबर क्यू आर के, तो ये ए। कर्ण निकालना, तो आप सीधे कह सकते थे अंडर रूट में लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, मतलब कितना 2a स्क्वायर हो जाएगा। जब a निकालोगे तो कितना आ जाएगा, a रूट 2। तो हम कह सकते थे कि इस समय हमारा कर्ण कितना होगा, a रूट 2 होगा। और कर्ण क्या है, pr। तो हम कह सकते थे pq हमारा कितना है, लंब a है, और pr हमारा कितना है, a रूट 2। काटते हैं तो हम देखते हैं कितनी वैल्यू आई है, 1/√2, अर्थात साइन 45 की वैल्यू 1/√2। अब हम यहां पे देखें cos 45 कितना होगा, तो ये भी आधार बटे कर्ण होता है, आधार कितना a, कर्ण कितना वही a रूट 2, काटोगे तो इसकी भी वैल्यू कितनी, a रूट 2। तो हमने देखा साइन 45 कास 45, फिर देखते हैं टेन 45, टेन 45 कितना होगा, लंब बटे आधार मतलब a बटे a करोगे, तो ये कटेगा काट दोगे कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। फिर हम देखते हैं किसकी वैल्यू, कासेक 45, क्योंकि अगर आप निकालना चाहें तो निकाल सकते हैं, या सीधी सी बात इसी का उल्टा होता है, साइन का उल्टा होता है, तो साइन 45 1/√2 है, तो उल्टा करोगे √2/1 हो जाएगा। या निकालना चाहो तो आप कहेंगे कि सर ये लंब बटे कर्ण होता है, वो कर्ण बटे लंब होगा, कर्ण कितना है, कर्ण आप कहेंगे सर √2a है और ये a है, काटोगे तो कितना आ जाएगा, √2 ही आएगा, ठीक। तो इस प्रकार आप निकाल सकते थे, या सीधे सी बात उल्टा कर ले। और इसी प्रकार sec 45 की बात करें
तो sec 45 आप कह देंगे कि cos का उल्टा होता है, तो cos 45 की वैल्यू 1/√2 है, तो sec 45 की भी वैल्यू कितनी हो जाएगी, √2 हो जाएगी। sec 45 की भी वैल्यू कितनी होगी, √2 होगी। इसके बाद आप कहेंगे cot 45 की वैल्यू कितनी होगी, तो आप कह देंगे cot 45 भी tan 45 का उल्टा होगा, tan का उल्टा है, tan 45 का मान 1 है, तो cot 45 1 का उल्टा 1 ही होगा। ठीक, 1/1 उल्टा करोगे तो ये इस प्रकार आपने निकाल लिया। अब हम इसको अगर कहीं दिखाना चाहें, सारणी इसकी बना ले, सारणी मतलब कि किसी भी प्रकार कॉलम रो बना के सारणी में रखा जाए, तो हम रखना चाहें तो रख सकते हैं। हमने यहाँ पे एक सारणी बना लिया, मैं इसको बिठा देता हूँ इधर साइड में। आप लोग देखेंगे कि ये ए रूट टू आया है, मैंने इधर लिख दिया। ठीक, अगर सारणी बनाए, सारणी कैसे, मैंने कह दिया ये ऊपर रख दें वैल्यू ना, यहाँ हम कह सकते थे कि ये थीटा जो है कितना हो, ये यहाँ पे हमने कह दिया साइन, ये थीटा बराबर पहले 0, 30, 45, 60 और 90 इस प्रकार दिखाना चाहें। तो चूंकि अभी हम केवल 45 की वैल्यू निकाल रहे हैं सबकी, तो ऐसे खींचे दे रहा हूं मैं, छह त्रिकोणमितीय अनुपात है, मैं 6 रख दूंगा, तो थोड़ा सा इधर बढ़ा लेते हैं ना ये वाली लाइन, ये अगर हम इसको इधर बढ़ा ले तो थोड़ी सी जगह मिल जाएगी। अब देखो थीटा ये हो गया आपका साइन, फिर आप इसी में आराम से कह सकते थे कि सर अभी साइन है, कास है, टैन है, साइन कास टैन, फिर कॉस सेक और कॉस सेक, इस प्रकार आपको वैल्यू निकालनी। तो चूंकि अभी हम बात कर रहे हैं किसकी निकालनी है वैल्यू आपकी, अभी केवल आपकी वैल्यू निकालनी है 45 की, तो आपने कहा सर 45 की तो हमने वैल्यू निकाल ली है, साइन 45 हमारा कितना आया है 1/√2 आया है, तो हम यहां से अगर पुटअप करना चाहें वैल्यू, तो हम कह देंगे साइन 45 हमारा 1/√2 है, कास 45 हम देखते हैं वो भी हमारा कितना आया है 1/√2 आया है, और फिर टैन 45 देखना चाहें तो ये 1 आया है, फिर काट 45 देखना चाहें तो ये भी हमारा कितना है 1 है, और चूंकि उसके बाद कासेक 45 देखना चाहें तो √2 है, और कासेक 45 भी देखना चाहें तो √2। इस प्रकार हमने इनकी वैल्यू को देख लिया था। ये जब भी साइन 45 पूछेगा, ये कोई भी 45 आप पूछे तो आप आराम से देख के बता सकते थे। फिर इसके बाद हम लोग निकालते हैं 30 और 60 का, क्योंकि ये आसान बैठेंगे, तो मैं इसको मिटाता हूं। अब हम 30 और 45 इस प्रकार वैल्यू निकाल ली। इसके बाद हम ट्रिक भी बता देंगे, आपको आसानी से याद हो जाएगा, लेकिन कोई आपसे बेसिक पूछे तो आपको पता होना चाहिए कि वैल्यू आई कहां से। ठीक है, तो आपको ये बात स्पष्ट हो गई होगी कि वैल्यू निकालते कहां से। तो अभी तो हमने केवल ये वैल्यू निकालनी है, किसकी निकालनी है, साइन का सारे 45 निकालनी है ना। अब हम 30 और उस पे चलते हैं, 30 और 60 के त्रिकोणमितीय अनुपात पे चलते हैं। तो मैं इस 30 और 60 को बनाने के लिए सबसे अच्छा तरीका है कि हम एक जो है समबाहु त्रिभुज लेते हैं। कैसा लेंगे, समबाहु त्रिभुज की विशेषता आपको पता है, तीनों भुजाएं बराबर होती हैं, और तीनों भुजाएं बराबर हैं तो तीनों कोण बराबर होंगे। ये भी 60 होगा, ये भी 60 होगा, और ये भी 60 होगा। अगर हम भुजा कोई भी ए लेंगे तो बाकी सारी ए ही होंगी। तो आप कहेंगे सर इसमें पाइथागोरस प्रमेय कहाँ लगाएंगे, क्योंकि त्रिकोणमितीय अनुपात की बात हम तभी करते हैं जब उसका कोई भी एक एंगल राइट एंगल ट्रायंगल हो, अर्थात समकोण त्रिभुज हो। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रा कराते हैं, भुजा लंबवत डालते हैं, लंब डालेंगे तो ये 90 बन जाएगा, इधर का भी 90 बन जाएगा, आप जैसे भी देखना चाहें। अब देखो, और चूंकि अगर इसको शीर्ष को उसका समद्विभाजक हो, तो सामने वाली भुजा को भी समबाहु त्रिभुज के क्या करता है, बराबर भागों में बांटता है। इसलिए a लेने a by 2 हो जाएगा, तो हम कहते हैं कि हमने इसको 2a ले ले, तो सारी भुजा 2a हो जाएगी, और अगर ये भी 2a समबाहु त्रिभुज है तो आधी करेंगे तो ये a हो जाएगा, और ये भी कितना हो जाएगा a। आसानी के लिए थोड़ा सा गणितीय संक्रियाएं हमारी आसानी से हो सके, इसलिए हमने इसको 2a ले लिया। अब देखो ये a है, ये 2a है, ये क्या है 90 के सामने, अर्थात एक कण है, 2a है। हम अगर इस कोण की बात करें तो हम कहेंगे इसके लिए ये आधार हो जाएगा, ये लंब होगा ना, 60 के लिए ये आधार होगा, और ये क्या होगा, लंब होगा। तो निकालना हो लंब, तो हम क्या कहेंगे 2a इसके स्क्वायर से ये वाला स्क्वायर घटा दे तो ये लंब का स्क्वायर आ जाएगा। तो आपने देख के कह दिया, हम नाम दे दे पी क्यू आर, ये हमारा एम था, पूरा लिखने कोई मतलब नहीं, मैं सीधे ये दे रहा हूँ, लंब का स्क्वायर आप निकालेंगे तो आप कह देंगे सर कि ये हम क्या करते हैं 2a का स्क्वायर, इसका पूरा स्क्वायर कर दें, जिससे ये वाला स्क्वायर घटा दें तो ये आ जाएगा। ठीक, ये आप कर चुके हैं कई बार। तो 4a स्क्वायर से a स्क्वायर घटाओगे, 3a स्क्वायर बचेंगे, और जब a बाहर निकल आएगा √3 अंदर बचेगा। ठीक है, वर्ग में
तो ए रूट थ्री अर्थात ये हमारा लंब कितना आ जाएगा इस समय, ए रूट थ्री आ जाएगा, ए रूट थ्री। अब अगर हमको साइन साठ की निकालनी है वैल्यू, किसकी वैल्यू निकालनी है, साइन साठ की वैल्यू निकालनी, साइन साठ की वैल्यू, चूंकि लंब बटे कर्ण होती है, लंब कितना है ए रूट थ्री है, कर्ण कितना है टू ए है, काटोगे ए से कितना आ जाएगा रूट थ्री बाई टू आ गया, ठीक। फिर अगर इसी तरीके से अगर हम कॉस साठ निकालें तो आधार बटे कर्ण, आधार ए है, कर्ण कितना है ए रूट थ्री है, काटोगे तो कितना आएगा वन अपान रूट थ्री आएगा। फिर साइन कॉस फिर टेन निकालें, टेन साठ की वैल्यू आप निकालेंगे, ये भी लंब बटे आधार होती है, लंब ए आधार ए रूट थ्री, तो ए अपान ए रूट थ्री लंब बटे आधार है ना, लंब ए रूट थ्री और आधार ए, काटोगे कितना बचेगा रूट थ्री। फिर टेन के बाद अगर हम निकालें काट की, चूंकि काट उसी का उल्टा होता है, वैसे भी कर लो या ऐसे भी कह सकते आधार बटे लंब, तो आधार ए लंब कितना ए रूट थ्री, तो ये आया वन अपान रूट थ्री। फिर उसके बाद सेक निकालेंगे, सेक थीटा क्या होता है काट का उल्टा होता है, या निकाल सकते थे क्या करेंगे कर्ण बटे लंब होता है, कर्ण क्या लिखेंगे कर्ण ए रूट थ्री है, और कर्ण बटे आधार होता है, आधार कितना है ए है, काटोगे तो कितना आ जाएगा रूट थ्री आएगा, ठीक। फिर इसके बाद कॉसेक, कॉसेक थीटा क्या होता है कर्ण बटे लंब होता है, कर्ण कितना है ए रूट थ्री, कर्ण कितना है टू ए है, लंब कितना है ए रूट थ्री, ठीक, काटोगे तो कट जाएगा ये कितना आ जाएगा टू अपान रूट थ्री। कर्ण कॉसेक थीटा क्या होता है आप निकालेंगे तो लाल बटे कक्का से ये कर्ण बटे लंब, और कर्ण की वैल्यू आपको पता है कितनी है टू है, और लंब की वैल्यू ए रूट थ्री है, तो काट दोगे तो टू अपान रूट थ्री आएगी, कितनी वैल्यू हो जाएगी टू अपान रूट थ्री, या सीधी सी बात इसी का उल्टा होगा साइन का, तो ये रूट बाई रूट थ्री बाई टू है, तो ये टू बाई रूट थ्री। तो वैल्यू अगर हम साइन साठ सबकी वैल्यू रख दें तो साइन साठ कितनी आई थी आपकी रूट थ्री बाई टू है। फिर इसके बाद कॉस की वैल्यू वन अपान रूट थ्री है, और फिर उसके बाद आप रखेंगे टेन साठ की वैल्यू रूट थ्री है, फिर इसके बाद कॉट साठ की वैल्यू आप देखेंगे वन अपान रूट थ्री है, फिर इसके बाद आप बात करेंगे सेक साठ की बात करेंगे, क्योंकि मैं साठ रख दूं हम लोग साठ की निकाल लें ना, सेक साठ की वैल्यू रूट थ्री है और ये टू बाई रूट थ्री, तो ये आप आसानी से निकाल सकते हैं, आपको कोई विशेष दिक्कत नहीं होगी। अच्छा अब हमने निकाल लिया साठ का, अब हम बात करते हैं तीस की, निकालना तीस भी निकल आएगा, देखो यही कहानी, ये नब्बे ये साठ, नब्बे साठ एक सौ पचास, एक सौ अस्सी से घटाओगे तो ये वाला आपको एंगल तुरंत मिल जाएगा कि तीस आएगा, या नब्बे माइनस साठ तो नब्बे से साठ घटाओगे तब भी तीस बचेगा, तो ये आपका तीस आ गया। अब हम अगर इस एंगल की बात करेंगे तो इसके सम्मुख वाला लंब हो जाएगा, ये आधार, केवल ये लंब आधार आपस में बदलने हैं, उस कंडीशन में ये लंब हो जाएगा और ये हो जाएगा आधार, अर्थात जो लंब था वो आधार हो गया, जो आधार था वो लंब हो गया, क्यों, क्योंकि इस वाली साइड से देखेंगे तो सम्मुख भुजा जो होती है वो लंब होती है, और जिस पे से खड़ा होता है वो उसका बेस होता है, तो ये आधार, ठीक है। तो अब हम इसको मैं मिटाता हूं, मैं क्या करूंगा कि वैल्यू किसकी रखेंगे, अब हम लोग वैल्यू रखेंगे तीस की, ठीक है, अब हम किसकी वैल्यू निकालेंगे तीस की निकाल लेंगे, और तीस की निकालने के बाद तीस 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 और तीस, ठीक, इन सब की वैल्यू आप निकालेंगे तब भी आसानी से निकल आएगी। आप कहेंगे सर इतना लंबा क्या याद कर लेते, याद कर लेंगे केवल करना वही, लेकिन बेसिक चीजें पता होती रहे तो ज्यादा अच्छा रहता है। देखो कि साइन तीस की वैल्यू आप निकालेंगे तो साइन तीस कितना होगा, आप कहेंगे सर इसमें लंब तो हमारा ये हो गया, लंब बटे कर्ण होता है, लंब ए है और कर्ण हमारा कितना है टू ए है, तो काटेंगे तो हमारा वन अपान टू हो जाएगा। कॉस तीस की वैल्यू निकालेंगे तो आप कहेंगे सर आधार बटे कर्ण होता है, आधार ए रूट थ्री है और कर्ण हमारा टू ए है, काटोगे ए से कितना हो जाएगा रूट थ्री बाई टू हो गया। फिर आप टेन तीस की वैल्यू निकालेंगे तो टेन तीस निकालेंगे लंब बटे आधार करेंगे, लंब कितना है ए है, आधार कितना है ए रूट थ्री है, काटोगे तो वन अपान रूट थ्री बचेगा, और उसके बाद काट तीस की वैल्यू निकालोगे जस्ट इसी का उल्टा कर दो रूट थ्री बाई वन या रूट थ्री हो जाएगा, ठीक, अब हम केवल उल्टा कर लेते हैं या वैल्यू रख के तभी आप निकाल सकते हैं। सेक क्या होता है कॉस का उल्टा होता है, तो इसी का जस्ट उल्टा करोगे तो कितना आ जाएगा टू रूट थ्री आ जाएगा, टू अपान रूट थ्री। कॉसेक क्या हो जाएगा आपको तुरंत पता है कि कॉसेक कितना होता है सेक का उल्टा होगा, तो चूंकि सेक की वैल्यू आपने निकाल नहीं सॉरी साइन की उल्टा होती तो साइन की तीस की वैल्यू
वन अपॉन टू है तो इसका उल्टा करोगे टू अपॉन वन या टू, ठीक। तो इस प्रकार इनकी वैल्यू आपको रखनी है वन अपॉन टू इंटू रूट थ्री बाई टू, वन अपॉन टू रूट थ्री बाई टू और वन अपॉन रूट थ्री, और उसके बाद कितना हो जाएगा रूट थ्री हो जाएगा, फिर उसके बाद टू अपॉन रूट थ्री हो जाएगा, फिर इसके बाद आपका हो जाएगा टू हो जाएगा, ठीक। तो इस प्रकार आपने इनकी वैल्यू निकाल ली। अब बची है आपकी केवल जीरो और नब्बे की, केवल पांच मिनट की कहानी और बची है, केवल जीरो और नब्बे। तो हम लोग जीरो और नब्बे की वैल्यू निकालते हैं, वो भी थोड़ा सा कोई लेंदी नहीं है, थोड़ा सा घुमाया गया है और वो आपकी समझ के ऊपर है, आप समझ पा रहे हैं चीजों को कि नहीं पा रहे हैं। तो देखो मैं जब भी जीरो की बात करूंगा पहले एंगल अगर हम जीरो का निकालना चालू करें, कोई भी आप ट्रायंगल बनाते हैं ये होता है आपका नब्बे, ये थीटा लेते हैं ये ना, अगर ये मान लीजिए तीस है तो इतना है, साठ करोगे तो बड़ा हो जाएगा, और बड़ा करते जाओगे और बड़ा हो जाएगा, लेकिन अगर छोटा करते जाओ अट्ठाईस बचेगा पच्चीस बचेगा, घटता जाएगा घटता जाएगा। हम क्या देखते हैं जितना एंगल हम घटाते जाते हैं डिक्रीज करते जाते हैं ये वाला उतनी ये वाली भुजा, ये वाला भुजा कौन सी लंब, समूह भुजा लंब होगी, छोटा होता जाएगा और एक समय आएगा कि इसको जब जीरो पर कर देंगे तो हमारा जो एक कण है किसके बराबर में आ जाएगा आधार के, अर्थात कण किसके बराबर हो जाएगा आधार के बराबर हो जाएगा और जो हमारा लंब है वो हो जाएगा जीरो, ठीक है। लंब क्या हो जाएगा जीरो हो जाएगा। तो इस कंडीशन में हम अगर स्थितिभुज की बात करते तो अगर हम कोई भी ट्रायंगल, मैं वही बना देता हूं कि आपको दिक्कत ना हो, ठीक है। इधर केवल वैल्यू रखेंगे, इधर वैल्यू रखते हैं, ये आपको बात समझ में आ गई होगी। केवल क्या करना है एक ट्रायंगल आप बनाएंगे, ट्रायंगल ये, इस ट्रायंगल में थीटा अगर ये जीरो कर दोगे, अगर हम नाम दे दें ए बी ए बी सी, तो ये अगर थीटा जीरो होगा तो आपने देखा कि ये पूरा जीरो हो जाएगा और ए बी लंब हमेशा जीरो हो जाता है, आपने देखा था। और जो कण है ए सी किसके बराबर हो जाएगा बी सी के बराबर हो जाएगा, ठीक है। ये कंडीशन आपको समझ में आ गई होगी। तो अब देखो साइन जीरो की वैल्यू निकाल लें, यहां से साइन जीरो लंब बटे कण होता है, लंब बटे कण लंब ए बी है बटे कण ए सी है, और चूंकि आपको पता है लंब कितना हो जाएगा जीरो हो जाएगा, तो आप सीधी सी बात कहेंगे जीरो बटे ए सी, जीरो बटे कण, कुछ भी हो कण उससे कोई मतलब नहीं। अगर ये साइड हम कहते ए है तो ये ए ही हो जाती क्योंकि आपस में बराबर हो गए, ये जीरो है तो ए बराबर जीरो, ठीक, क्योंकि ऊपर जीरो है तो वैल्यू जीरो, मैंने कल बताया था कैसे आता है। फिर उसके बाद कास जीरो की वैल्यू आप करेंगे, आधार बटे कण होता है, कास क्या क्या होता है आधार बटे कण, आधार एक है, कण कितना है ए है, दोनों ए बराबर है, काट दोगे तो वैल्यू कितनी अर्थात कास जीरो की वन हो जाएगी, ठीक। उसके बाद साइन कास टेन, टेन जीरो की बात करेंगे तो आप सीधी बात आप कहेंगे लंब बटे आधार होता है, लंब जीरो है आधार ए है तब इसकी वैल्यू भी जीरो आ जाएगी, ठीक। फिर उसके बाद टेन के बाद अगर हम काट की बात करें, काट जीरो आपको सीधी बात आपको पता है आधार बटे लंब होता है, आधार कितना है ए है लंब जीरो है, तो जब ये वैल्यू आए तो ये इनफाइनाइट होती है, अपरिभाषित, इसको हम परिभाषित नहीं कर सकते। अब आपके मन में आएगा सर ऊपर वाला तो जीरो हो गया था, मैंने समझा दिया था, लेकिन इसको परिभाषित क्यों नहीं कर सकते। तो आपको समझ में आएगा कि अगर मैं बात करूं कि नीचे जीरो है, चलिए कोई बात नहीं, अगर हम कह दें कि मान लीजिए ऊपर टेन होता नीचे भी टेन था, वैल्यू कितनी आती जब बराबर डिजिट से काटते हैं वन ही आती है, हम नीचे की वैल्यू को कम करते जाएं, हमने कहा अगर हम नीचे को कम कर दें, हमने नीचे को कम करके वन कर दिया, एक समय ऐसी कंडीशन आया यहाँ पे टेन था वन आया, हमने कहा नीचे की वैल्यू कम कर दिया तो हमने देखा ऊपर की वैल्यू एकदम सुप्रीम जितनी थी उतनी ही आ गई, देखो कम करते जब बराबर रखे तो वन, कम करते करते वन तक ले आए तो हमने देखा जब वन लाते हैं तो उस समय वो अपनी मैक्सिमम कितनी टेन पे पहुंच चुका है जितनी उसकी वैल्यू थी। अब हम अगली बार देखते हैं इसको वन से भी कम कर दे जीरो दशमलव वन कर दे तो हमको देखते कि अरे ये तो अपने से दस गुना ज्यादा हो गई, और कम कर दें अगर नीचे की वैल्यू को जीरो दशमलव जीरो वन कर दें तो हम देखते ये तो एक हजार गुना हो गई। फिर हमने देखा कि इसकी वैल्यू को और कम कर दें ऐसे करके चले जाए तो हम तो देखते कि ऊपर की वैल्यू बढ़ती जा रही बढ़ती जा रही बढ़ती जा रही, और हमने कहा नीचे की वैल्यू हमने इतना ज्यादा इतना कम कर दिया कि वो जीरो हो गई। अब बताओ पहले ही इतनी ज्यादा बढ़ती जा रही थी हमको नहीं पता कितनी बढ़ी, लेकिन अगर हम नीचे जीरो कर दें तो ऊपर की तो अनंत हो गई इनफाइनाइट हो गई, तो ऊपर की वैल्यू क्या हो गई अनंत हो गई, क्या हो गई अनंत। तो ये याद रखना ये अपरिभाषित नहीं है, सॉरी ये
अनंत है, क्या है, इनफाइनाइट है। कभी कभी बच्चे क्या करते हैं कि मैं समझाऊंगा चीजें कि जब नीचे जीरो होता है तो इनफाइनाइट वैल्यू कितनी आ गई, इनफाइनाइट, और जब जीरो बटे जीरो होगा तो वो अपरिभाषित होगा, उसको हम परिभाषित नहीं कर सकते। कैसे नहीं कर पाएंगे उसको मैं बाद में समझाऊंगा जब वैल्यू आ जाएगी। अच्छा चलिए ठीक है, अभी चालू कर दें कि ऊपर भी जीरो नीचे भी जीरो, वैल्यू कम हो गई लेकिन ऊपर जीरो इसको परिभाषित कब आता है, तो इसकी जब कंडीशन आएगी तो हम बताएंगे। ठीक है, अभी क्या कि a अपान जीरो हो गया तो वैल्यू कितनी आ गई, अनंत आ गई। ठीक है, फिर इसके बाद कार्ड जीरो की वैल्यू अनंत हो गई आपकी। फिर अच्छा अनंत क्यों है, आपको कंडीशन सामने आ गई, कार्ड के बाद सेक की बात करें, सेक कास का उल्टा सेक होता है तो वन का उल्टा वन ही होगा, तो सेक जीरो की वैल्यू भी कितनी होगी, वन ही होगी। उसके बाद साइन का कासेक, कासेक जीरो कितना होगा, ए बटे जीरो हो जाएगा, उलट देंगे तो इसकी भी वैल्यू इनफाइनाइट होगी। फिर इसके बाद कुछ बचा, टेन का उल्टा काट हो गया, कासेक तीन तीन छह सब हो गई ना, हमको केवल इनकी वैल्यू रखनी है। हम लोग वैल्यू रखना चालू करते हैं तो साइन जीरो की वैल्यू कितनी है, जीरो है, कास जीरो की वैल्यू वन है, टेन जीरो की वैल्यू जीरो है, कार्ड जीरो की वैल्यू इनफाइनाइट है, और उसके बाद सेक जीरो की वैल्यू वन है, कासेक जीरो की वैल्यू इनफाइनाइट। ये आपको चीजें समझ में आ गई, कहाँ पे इनफाइनाइट आती है कहाँ पे वन आती है, और जब आप इनको देखेंगे तो आप इनको आराम से कर सकते हैं। ठीक है, या आप परिभाषित लिखिए या इनफाइनाइट लिखिए, थोड़ा सा मेन डिफरेंस होगा, मैं उसको क्लास में समझा दूंगा। ठीक है, कि ये ए अपान जीरो रखेंगे तो इनफाइनाइट होगा, और अपरिभाषित इसलिए कह देते क्योंकि हमको पता ही नहीं कितनी आएगी, लेकिन इनफाइनाइट बहुत ज्यादा हो जाएगी, इतनी ज्यादा हो जाएगी हमको नहीं पता, इसलिए उसको इनफाइनाइट या अनंत कहते हैं। ठीक है, तो यहां तक की ठीक है। अब हम इसके बाद आते हैं, हाँ 90 की बची, केवल 90 का देख लेते हैं, आप लोग 90 भी निकाल लेंगे बहुत आसानी के साथ, क्योंकि आपको एक कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। देखो अब हम निकालते हैं किसकी, 90 की वैल्यू। सर ये तो सारणी में इतना लंबा करा दिए, कोई बात नहीं, चीजें आपके लिए आसान बैठेंगी जब समझ में आ जाएगा। देखो पहले सी बात, हम क्या लेते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल, ये 90 है। अब कह रहा है कि इसको बढ़ाना चालू करिए, इतना बढ़ा दो कि ये ऐसे बढ़ता चला जाए, बढ़ता कितना बढ़ता चला जाए कि ये 90 हो जाए। ठीक है, ये 90 होने का मतलब क्या हो गया कि घटाओगे, ये एंगल पहले कुछ भी होता, बढ़ा बढ़ा के ये 90 लाना है, कितना लाना है, और ये 90 होने का मतलब क्या हो जाएगा, ये कहाँ पे मिलेगा, इनफाइनाइट पे मिलेगा, कहाँ पे मिलेगा, इनफाइनाइट पे मिलेगा। इसीलिए कहते हैं कि ये भुजा कितनी हो जाएगी, और ये इनफाइनाइट पे ऐसा कब हो सकता था, दिक्कत है, इसीलिए हम कहते हैं कि इसमें हमको दिक्कत क्या होती कि हम इसको दूसरे तरीके से समझना चालू करते हैं, दूसरा तरीका कि इनफाइनाइट कैसे होता, इस एंगल को हमको बढ़ाना है, त्रिभुज वही होता, तो हम कैसे कर सकते थे, ये और कम करते हैं, जितना नजदीक आएंगे ये वैल्यू बढ़ती जाएगी, देखो एंगल ये लगातार बढ़ेगा, जितना पास आते जाओगे ये बढ़ता जाएगा, और एक समय ऐसा आएगा कि हम एकदम नजदीक आ जाए तो ये थीटा हमारा उस समय कितना हो जाएगा, 90। एकदम नजदीक आने का मतलब पहले लंब था, ये कण था, ये आधार था, ध्यान से देखना, हम इसको जितना नजदीक आते जाएंगे तो क्या होगा कि लंब किसके बराबर हो जाएगा, ये कण के बराबर क्या हो जाएगा, लंब, अर्थात कण के बराबर लंब हो जाएगा, और आधार घट घट के घट घट के जीरो हो जाएगा, आधार कितना हो जाएगा, जीरो। तो ए बी सी हम कह सकते थे, यहां से बी सी हमारा हो जाएगा जीरो, और ए बी बराबर ए सी के, ए बी बराबर ए सी के, ये हम नियम हमको यहां पता चले। तो अब इस नियम से अगर हमको वैल्यू निकालनी हो तो हम आराम से वैल्यू निकाल लेते हैं। देखो वैल्यू निकालेंगे, इस बार किसकी वैल्यू निकालनी है, तो आप कहेंगे सर 90 की वैल्यू निकालनी है, किसकी वैल्यू निकालनी है, 90 की। ठीक है, तो आप 90 निकालेंगे, सब जगह 90 90 90, ये भी 90, ये भी 90, और कासे भी 90। देखो मैंने सारणी बनवा दी आपकी, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप किसी से भी कह सकते हैं कि हमको सारणी बनानी भी आती, क्योंकि ट्रिक से आप केवल याद करते हैं, तो केवल ट्रिक नहीं बनाना भी आना चाहिए। ठीक है, तो साइन 90, जब आप लंब बटे कर्ण की बात करेंगे तो आपको यहां से बात समझ में आती है कि लंब बटे कर्ण का मतलब ये है, लंब हमारा ए बी है और हमारा कण क्या है, एसी है, और हमने यहाँ पे कंडीशन पे देख लिया कि ए बी बराबर एसी है, तो इसका लो ए बी बटे एसी कर दें, ये दोनों बराबर हैं तो कट के वन हो जाएगा। फिर कास 90 आधार बटे कण, आधार हमारा पहले से जीरो है,
कण हमारा एसी। अच्छा साइड ले लो तो थोड़ा सा आसान रहता कि ये दिक्कत होती आपको। हम कहते ये ए था तो ये आपस में ए हो जाएगा, ए बराबर ए के हो जाएगा, ए बटे ए काटो वन हो जाएगा ठीक, और ये जीरो हो जाएगा ठीक। तो आधार जीरो और आधार बटे कण ऊपर जीरो तो वैल्यू जीरो ही आएगी। फिर उसके बाद टाइम 90, टाइम मतलब लंब बटे आधार, लंब कितना है ए, आधार जीरो, ये भी आप तुरंत कह देंगे इनफाइनाइट है। काट 90, काट 90 देखेंगे तो आप कहेंगे आधार बटे लंब, आधार जीरो है, लंब ए है तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी जीरो आएगी। सेक 90, सेक 90 की वैल्यू आप देखेंगे तो आप कहेंगे कि सेक तो कास का ही उल्टा होता है कास, लेकिन वहां से आप कहेंगे जीरो उसका उल्टा इनफाइनाइट कैसे, तो हम लोग निकाल लेते हैं कास 90 क्या होगा, कास 90 होगा कण बटे आधार। कण कितना है आपने देखा ए है और आधार आपने देखा जीरो है, तो जब नीचे जीरो होती तो आप सीधी सी इनफाइनाइट, कासिक 90 कितना हो जाएगा तो साइन 91 है तो कासिक उल्टा होता जस्ट, तो उसकी वैल्यू कितनी आएगी 1। या आप यहां से देख के कह सकते थे कासिक 90 क्या होगा, कण बटे लंब होगा, कण भी ए है और ये भी ए, काटोगे तो 1 ही आएगा ठीक। तो यहां से वैल्यू रखते चले जाए तो हम कह सकते थे ये हमारी 1 है, ये इनफाइनाइट है और काट 90 जीरो है और टाइम 90 इनफाइनाइट है, उसके बाद क्लास 90 जीरो है और ये 1 है। तो हमने देखा कि हमारी सारणी पूरी बनके तैयार हो गई। अब हम अगर इसको चाहें कि सर ये तो ऐसे है लेकिन इतना लंबा लगाएगा कौन, कैसे याद करेंगे, याद करने कोई सरल तरीका हो तो वो बताइए। तो देखो आसान तरीका भी ट्रिक से है, हम लोग इतना मुश्किल होता है इसको याद करना इसलिए इसको हम लोग ट्रिक से याद कर लेते हैं, और फिर धीरे धीरे जब सवाल लगाना चालू करते हैं और अभ्यस्त हो जाते हैं चीजों के तो ऐसे ही याद होता है कि साइन 45 बताएगा तो आप तुरंत बता देंगे 1/√2 है, साइन 60 पूछेगा √3/2 है, कास 30 पूछ देगा तभी √3/2 है। तो ये आप जब चीजें याद हो जाती तब भी कोई दिक्कत नहीं, टेन 30 1/√3 है तो ये आपको तब कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन अभी दिक्कत है तो हम कुछ दिन में कुछ समय तक ही ट्रिक से याद करते हैं। ट्रिक कैसी होगी, यहाँ पे ट्रिक कुछ नहीं करना, जो ऊपर वैल्यू रखी यही रहेगा। हम यहाँ इसको थोड़ा सा स्पेस देके यहाँ पे एक लाइन बढ़ा लेते हैं, इसको थोड़ा और ऊपर कर लेते हैं। ट्रिक कैसे लाते हैं, हमने कहा थीटा यहाँ रखेंगे 0, 30, 45 और 60 फिर 90, यहाँ पे एक लाइन हम बढ़ाते हैं। वो लाइन क्या होती है, हम कहते हैं कि 0 यहाँ पे रूट लगाएंगे बटे 2 फिर 1/√2 ऊपर वाले में केवल रूट रहेगा नीचे वही लिखा रहेगा, फिर 3/√2 फिर √4/2। और ये कहाँ से है, तो ये तरीका है कि केवल ऊपर वही रूट लगाएंगे तो 0, 1, 2, 3, 4 बढ़ेंगे रूट में, नीचे ये रूट में नहीं रहेगा, सब में 2, 2, 2, 2 रहेगा। अब देखो 0 का रूट निकालोगे तो 0 ही आएगा, ऊपर 0 नीचे 2 0 आ जाएगा, √1 का रूट कितना होता है 1 ही होता है, 1 × 1 लिखोगे फिर से 1 निकल जाएगा, 1/√2 होगा, ये काटोगे तो नीचे 2 को हम लिख सकते हैं √2 × √2 तो 1 √2 √2 कट जाएगा, नीचे बचेगा √2 तो 1/√2, ये सेम है इसको कोई नहीं सॉल्व करना। 4 का √2 4 का निकालोगे रूट कितना आएगा 2 आएगा तो 2/2 काटोगे तो 1 आ जाएगा, पहली लाइन यही होगी। दूसरी क्या करेंगे, इसको इधर से लिखेंगे तो 1√3 1/√2 फिर 1/ ये लिखेंगे 1/ ये कहाँ गया हमारा, हमने यहाँ पे कुछ गलत कर दिया, इसको थोड़ा सा सही कर लेते हैं। देखो नहीं गलत नहीं है, 1 फिर इसको पलट के 1/√3/2 फिर इसको यहाँ पे ले आए 1/√2 फिर इसको और आगे लेके जाना है यहाँ पे लाएंगे, ये देखो मैंने ये गलत लिख दिया था, इसको हम सही कर लेते हैं, ये हमारा 1/√2, वहां थोड़ा सा नहीं ध्यान दिए होंगे तो ये याद कर लेना, ये हो गया 1/√2 फिर 0 ये। फिर इसके बाद टैन कैसे निकालेंगे, तो आपने पढ़ा था कि टैन थीटा सर आप बताए थे एक फार्मूला साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा होता है, मतलब साइन को कॉस से डिवाइड करा दे टैन आ जाएगा, मतलब साइन 0 अपॉन कॉस 0 बराबर टैन 0, साइन 30 अपॉन कॉस 30 बराबर टैन 30, साइन 45 अपॉन कॉस 45 बराबर टैन 45, मतलब केवल डिवाइड कराना, हम फिर मान लेंगे इसके लिए कि ये मल्टीपल में, तो 0/1 ऊपर 0 नीचे 0 ही आएगा, 1/√3/2 काटोगे तो 2 से 2 कटेगा 1/√3 बचेगा, √2 से √2 जाएगा 1/1 ही लिखेंगे, 2 से 2 कटेगा √3/1 और √3/1 को √3 लिख सकते हैं, 1/0 किसी के नीचे भी 0 है तो वैल्यू इनफाइनाइट आती है। फिर आपने देखा कि टैन का उल्टा तो काट होता है, तो हम कहेंगे 0 का उल्टा इनफाइनाइट, 0 का उल्टा क्या हो जाएगा इनफाइनाइट, देखो 0 है अपान में 1 किसी भी नंबर के नीचे 0/1 लिखते हैं तो इसको हम उल्टा करेंगे तो 1/0 और 1 अगर 0 किसी के नीचे है तो इनफाइनाइट वैल्यू होती है इनफाइनाइट, 1/√3 का उल्टा करोगे √3, इसका 1 का उल्टा 1
रूट थ्री, इसका उल्टा करोगे तो वन बाई रूट थ्री है, अपान में वन है, उल्टा कर दोगे वन अपान रूट थ्री, ठीक। तो और फिर इनफाइनाइट का उल्टा जीरो, क्यों जीरो का उल्टा इनफाइनाइट, तो इनफाइनाइट का उल्टा जीरो। देखो इनफाइनाइट है कोई बात नहीं, इनफाइनाइट को हमने देखा था क्या लिख सकते थे, वन अपान जीरो, इसका उल्टा कर दे इनफाइनाइट का तो वन अपान इनफाइनाइट लिखेंगे, इधर भी उल्टा कर दे तो वन अपान जीरो, और किसी के नीचे ऊपर जीरो तो जीरो ही आती, अर्थात वन अपान इनफाइनाइट या इनफाइनाइट का उल्टा जीरो होता है, ठीक है। फिर सेक में हम क्या देखेंगे, कास का उल्टा, तो ये वन का उल्टा वन, इसका उल्टा टू बाई रूट थ्री, इसका उल्टा करोगे तो रूट टू अपान वन या रूट टू, ये हम लिखेंगे वन अपान टू, क्योंकि हमने वहां गलत किया था, ये भी गलत हुआ होगा आपका, टू हो जाएगा। फिर उसके बाद हम यहाँ पे देखेंगे ये, ठीक है, जीरो का उल्टा इनफाइनाइट, और फिर इसी तरीके से इसको भी सॉल्व करते चले जाएंगे, हमारी वैल्यू आ जाएगी कास एक पैतालीस कितनी हो जाएगी, सेम सॉल्व करोगे, लेकिन जहां पे गलती किया होंगे वो गलत आया होगा आपका, उसको थोड़ा सा सही कर लेते हैं। कहां पे एक गलती और किए थे हम लोग उसको देख लेते हैं, कास एक साइन का उल्टा होता है, तो साइन का उल्टा ये हमारा वन बाई जीरो का उल्टा इनफाइनाइट वन अपॉन टू, ठीक है, फिर रूट टू, फिर इसका उल्टा कर दोगे टू बाई रूट थ्री और ये वन, ठीक है, तो वो वही रहेगा, आप इसको आराम से कर सकते हैं, ठीक है। तो आपको ये आसानी से चीजें समझ में आ गई होंगी कि त्रिकोणमिति सारणी को अगर हम ट्रिक से याद करते हैं तो हमको ट्रिक से भी याद हो जाएगी, और अगर हम इसको बनाना आना मतलब बनाना आता है तो मुझसे भी कर सकते थे। तो आज की क्लास में आपको मजा आएगा, आपके काम का बहुत ज्यादा मतलब काम का तो है ही, लेकिन ये तरीके क्या होते हैं, कभी कभी केवल हम लोग याद कर लेते हैं लेकिन हमको समझ में नहीं आता कि सर ये आया कहाँ, कौन बना दिया, तो ये इस प्रकार कैसे शुरुआत हुई होगी, कैसे बने हैं, तो इसकी आपको बेसिक जानकारी मुझे जहां तक कि मैं समझता हूँ तो बहुत गहराई से मिल गई। और अगर आप क्लास को आज पूरी क्लास को आप ध्यान से देखे होंगे तो कभी भविष्य में कोई भी कठिनाई इसमें आने वाली नहीं। तो आज की क्लास को हम लोग यही समाप्त करा देते हैं, मैं आशा करता हूँ कि आज की क्लास आपको अच्छी लगी होगी, अगर अच्छी लगी है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, आप सभी को ढेर सारी उज्जवल भविष्य की शुभकामनाओं के साथ शुभरात्रि।